चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर के दौरे पर रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 11 दिनों में ये तीसरा मध्य प्रदेश का दौरा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,600 करोड़ की लागत वाले तमाम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के घोटालों की हेडलाइन बनती थी, हमने कांग्रेस की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का अभियान छेड़ा है, 11 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं ताकि सही लोगों को पैसा पहुंच सके। ग्यारह करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। कितने कितने जरा जोर से बोलिए, कितने? 11 करोड़। ये 11 करोड़ नाम कौन से थे? ये वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था। कांग्रेस ने इनका झूठे नाम, फर्जी नाम, कागजी दस्तावेज तैयार कर दिए। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है 11 करोड़। ये 11 करोड़ फर्जी नाम जो सच्चे गरीब लोग हैं, असली गरीब लोग हैं, उनका हक छीन करके खजाना लूटने का काम हो रहा है। 2014 में आने के बाद ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया, ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की एक ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज इस त्रिशक्ति की वजह से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये आंकड़ा भी जरा मैं दोबारा पूछूंगा आपको, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो गलत हाथों में जाते थे, चोरी होते थे, उसको बचाने का काम मोदी ने किया है।